Hello learners, this is Amrita Raj. Today we are going to start another new chapter and the chapter is Plant Roots. हम इस chapter को कुछ parts में divide करके पढ़ेंगे. Parts of a plant, shoot system, root system, types of roots, functions of roots, whom do trees belong to, some common domestic plants, some common wild plants, people living in the forest. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ सेल्फ सर्वेस देख लेते हैं. नेम एनी टू. यहाँ पे जो नेम्स दिए हैं इनके आपको दो दो एग्जांपल्स देने हैं. फूड स्टोरेज रूट्स के दो एग्जांपल, कॉमन वीट के दो एग्जांपल, डोमेस्टिक प्लांट्स के दो एग्जांपल, वाटर स्टोरेज रूट्स के दो दो एग्जांपल. अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें इस चैप्टर में आगे इन सब के बारे में भी पढ़ना है. और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. वी सी ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस लाइक ट्रीज, शॉप्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एसेट्रा. हम अपने आसपास बहुत तरह के पेड़, पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स ये सब देखते हैं और दे आर लिविंग थिंग्स लाइक अस. ये भी हमारी तरह एक जीव जंतु हैं, मीन जीवित हैं. दे ग्रो जस्ट लाइक वी ग्रो. और ये हमारी तरह ही बढ़ते हैं, जैसे हम सबसे पहले बिल्कुल छोटे से होते हैं जब हमारा जन्म होता है, फिर धीरे धीरे करके हम बड़े होते हैं. सेम प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, जैसे पहले वो सीड होते हैं, फिर सीड से वो प्लांट बनते हैं, फिर प्लांट से ट्रीज बनते हैं. As our body is made up of different organs, similarly plants are made up of different parts too. जैसे हमारा शरीर अलग अलग organs से बना होता है, उसी तरह जो plants होता है, पौधा होता है, उसके भी अलग अलग parts बने होते हैं. Each part has different work to do. और हर अलग अलग part का अलग अलग काम होता है. जैसे हमारा organs है, हमने पिछले chapter में पढ़ा था, उसका भी अलग अलग काम है. उसी तरह प्लांट्स के भी पार्ट के अलग अलग काम है. तो चलिए हम देखते हैं प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं. अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम. तो हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स and fruits are those parts of a plant which can be seen above the ground from the shoot system. इससे आपको क्या पता चला? Shoot system क्या होता है? जो soil के ऊपर part का ऐसा part, plant का ऐसा part जो कि हमें दिखता है, जैसे leaf, buds, flowers, उसके fruits, branches, ये सब हमें दिखता है, तो वो shoot system में आता है. और जो roots होता है, tap roots होता है, वो सब रूट सिस्टम होता है. क्यों? क्योंकि वो सॉइल के अंदर होता है. तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. अब स्टेम का क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट देना. ब्रांचेस जॉइन लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विद द स्टेम. और ये सारे जो ब्रांचेज हैं इनका क्या काम होता है? ये जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होती हैं, लीव्स होती हैं, इन सबको इस स्टेम से जॉइंट करने में हेल्प करता है. लीव्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड एंड इन ब्रीथिंग. और ये जो लीव्स होती हैं ये प्लांट को अपना फूड बनाने में हेल्प करता है और सांस लेने में भी हेल्प करता है. कैसे? फोटोसिंथेसिस से. चलिए आगे बढ़ते हैं. बर्ड्स ग्रो इंटू फ्लावर्स एंड फ्लावर्स ग्रो इंटू फ्रूट्स. अब बर्ड्स का क्या काम होता है? तो वो जब ग्रो करके फ्लावर बनता है और फ्लावर से वो फ्रूट बनाता है. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है जो कि न्यू प्लांट को ग्रो करता है. न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. अब चलिए हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. रूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड फॉर्म द रूट सिस्टम. मैंने आपको बताया जो सॉइल के अंदर पार्ट होता है प्लांट का, जिसे हम देख नहीं पाते, वो आता है रूट सिस्टम में. देखिए बिलो द ग्राउंड.
टाइप्स ऑफ रूट्स, अब रूट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, अलग अलग प्लांट के अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। मेनली रूट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप टैप रूट्स और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट वो रूट होता है जिसका एक ब्रांच होता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। देखिए यहाँ आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, तो हम देखते हैं। मैनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट विथ मैनी स्मॉल रूट्स। मैनी प्लांट्स हैव वन रूट, यानी ये जो बीच वाला है, और मैनी स्मॉल रूट्स अराइजिंग आउट ऑफ देम। और ये देखिए ये जो साइड साइड से निकल रही हैं, ये है इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो कि सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। इसका एग्जांपल क्या होता है? कैरेट, मस्टर्ड, तुलसी, हिबिस्कस एसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ टैप रूट्स। गाजर, फिर सरसों, तुलसी, हिबिस्कस मींस उड़हुल का फूल, ये सारे एग्जांपल होते हैं टैप रूट के। देखिए यहाँ एक ये भी है टर्निप, ये भी एग्जांपल होता है टैप रूट का। अब हम देखते हैं फाइब्रस रूट्स। मैनी प्लांट्स हैव मैनी रूट्स रफली ऑफ द सेम साइज। मतलब ये जो आपको प्लांट दिख रहा है इसका बहुत सारा रूट से, देखिए इधर 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 हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, और इसका कोई भी मेन रूट नहीं है, ये सारे सेम साइज के होते हैं। ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये जो स्टेम होता है उसके बेस में से होता है। दे आर नोन एज फाइब्रस रूट्स, ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? वीट, ग्रास अनियन, राइस एसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। अब इसका भी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टैप रूट्स और फाइब्रस रूट के अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप्स के रूट्स होते हैं। देखिए यहाँ हमें पढ़ना है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होता है? सम ट्रीज लाइक बनियान हैव एरियल रूट्स विच ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टेम। दे गेट अटैच टू द सॉइल एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द ट्री। अब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसकी जो रूट्स होती है वो उससे अटैच होकर नीचे तक डाउनवर्ड की तरफ वो ग्रो करते हैं और सॉइल से अटैच होकर ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। इसीलिए बनियान ट्री को हम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री कहते हैं, मीन्स वो सबसे ज़्यादा जीने वाली और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्री होती है। देखिए यहाँ एक फैक्ट ट्रीजर है। द रूट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन वाइल्ड फिग ट्री कैन ग्रो 120 meters। साउथ अफ्रीकन का एक वाइल्ड फिग नाम का पेड़ है जिसके जो रूट्स होते हैं वो 120 मीटर तक बढ़ सकते हैं। अब देखिए सेकेंड स्पेशल टाइप ऑफ रूट है ब्रीथिंग रूट्स। प्लांट्स लाइक मैनग्रूव्स ग्रो इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर स्वैम्प्स। मैनग्रूव्स जो ट्रीज होती हैं, प्लांट होती हैं, ये स्पेशली किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है। ये स्पेशली फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर में ही पाई जाती है। इनकी जो रूट्स होती है उसमें ब्रीथिंग पोर्स होता है। देखिए दे रूट्स हैव ब्रीथिंग पोर्स एंड दे ग्रो अबव द सॉइल। इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। बाकी प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स जो होता है वो नीचे ग्रो करता है, लेकिन मैनग्रूव्स प्लांट में जो उनका रूट्स होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। एज मैनग्रूव्स कैन नॉट ब्रीथ इन द सॉइल, दे सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रीथिंग रूट्स। अब मैनग्रूव जो होता है वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, तो वो अपने रूट्स के मदद से सर्वाइव करता है, यानी जीता है, जो कि सॉइल के ऊपर होता है। फूड स्टोरेज रूट्स। सम रूट्स लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि हम प्लांट के रूप में खाते हैं उसे, जैसे रेडिश हो गया, यानी फिर आपका कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गया, अब मूली, गाजर,
फिर बीट, ये सब क्या ग्रो करता है तो, लेकिन उसका क्या होता है, वो तो फ्रूट बन जाता है, तो वो कैसे होता है? इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्पेशल होती हैं, वो स्टोर करती हैं फूड्स को जो उनकी लीव्स बनाती है फोटोसिंथेसिस से. दीज रूट आर एडिबल एंड आर ईटन बाय अस वेजिटेबल्स. हम बताया आपने, इन्हें हम खाते हैं सब्जियों की तरह किसी, या फिर सलाद की तरह. तो ऐसे रूट जिसे हम खा सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. प्रोपगेटिव रूट्स. प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड चीज प्रोड्यूस बड्स अलोंग देयर रूट्स दैट ग्रो नियर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑर इटसेल्फ. अब कुछ प्लांट्स जैसे चेरी और स्ट्रॉबेरी की जो प्लांट्स होती है वो अपने आस पास छोटे छोटे बड्स ग्रो कर लेते हैं. उससे क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं और उनकी रूट्स जो सरफेस के आसपास होती है वो उन्हें हेल्प भी करती है. ऐसे रूट्स को हम प्रोपेगेटिव रूट्स कहते हैं. वाटर स्टोरेज रूट्स. प्लांट्स लाइक पम्पकिन एंड एस्परेगस हैव वाटर स्टोरेज रूट्स विच स्टोर वाटर इन देम फॉर द प्लांट विच द प्लांट यूजेज ड्यूरिंग द समर मंथ. अब कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जैसे पम्पकिन हो गया, या मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, एस्परेगस हो गया, इन सब की जो रूट्स होती है वो वाटर को स्टोर कर लेती है. और जब गर्मियों का सीज़न आता है तो इस प्लांट की रूट्स जो वाटर स्टोर की हुई रहती है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है. देखिए यहाँ एक फैक्ट रीजर दिया है. रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब रूट्स का एक और फंक्शन होता है बहुत अच्छा. ये जब हम इसे ग्रो करते हैं तो ये सॉइल को ग्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, जिसके हेल्प से जब फ्लड या फिर कुछ होता है नेचुरल तो सॉइल इरोजन को वो रोकता है, यानी कि सॉइल को बहने से रोकता है, वो पेड़ पकड़ के रखता है उसे. चलिए अब हम रूट्स के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं. द रूट्स परफॉर्म मेनली दीज फंक्शन. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं रूट्स का. ये काम होता है, रूट्स ग्रो डीप इन द सॉइल, स्प्रेड देयर ब्रांचेस एंड हेल्प द प्लांट्स टू फिक्स इटसेल्फ फॉर्मली इन द सॉइल. अब रूट्स क्या करता है, ये सॉइल के बिल्कुल अंदर तक जाता है, अपने ब्रांचेस को फैलाता है और सॉइल्स को पकड़ लेता है बिल्कुल ज़ोर से, जिससे कि प्लांट में बिल्कुल स्ट्रांगली उससे जॉइंट हो जाता है. और उसके हेल्प से क्या होता है, वो अच्छे से ग्रो करता है, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सॉइल इरोजन को रोकता है. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. कैसे, सॉइल्स में जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके. चलिए अब आगे देखते हैं. यहाँ हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है. होम डू प्लांट्स बिलोंग टू. प्लांट्स किससे बिलोंग करते हैं. प्लांट्स विच आर ग्रोन बाई पीपल्स इन देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स. अब ऐसे प्लांट्स जो हम खुद से ग्रो करते हैं हमारे आसपास के जगहों में, उसे हम डोमेस्टिक प्लांट्स कहते हैं. वैसे प्लांट्स कौन से होते हैं, नीम, पीपल, बनियान, अशोका और भी बहुत सारे प्लांट्स डोमेस्टिक प्लांट के एग्जांपल हैं. अब आपको जो भी अपने आसपास पेड़ दिखते हैं वो सारे डोमेस्टिक प्लांट्स ही होते हैं. आपको अधिकतर आपके आसपास क्या दिखेगा, पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, बनियान का पेड़, अशोक का पेड़, ये सारे डोमेस्टिक ट्रीज होते हैं. दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल देमसेल्फ और बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत ऑफ दैट एरिया. ये ज़्यादातर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं या फिर जो गांव में पंचायत होती है उनके द्वारा इन्हें देखभाल किया जाता है, इनका पालन पोषण, इन्हें जितने फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं ये सब ये करते हैं. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, मतलब जो खुद से उग जाता है फॉरेस्ट में, उसे हम वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं.
अब जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो पेड़ पौधे खुद ही उग जाते हैं, वहाँ तो कोई उगाने जाता नहीं, वैसे प्लांट्स को, वैसे ट्रीज को हम वाइट प्लांट्स कहते हैं। जो फॉरेस्ट होता है वो तो स्पेशली गवर्नमेंट्स को ही बिलोंग करता है, मीन्स वही रखते हैं, उसे वो देखभाल करते हैं, देखते हैं। सम कॉमन डोमेस्टिक प्लांट्स आर, अब देखिए यहाँ कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स का नाम दिया है, उनके बारे में दिया है, तो चलिए हम उसके सबके बारे में पढ़ते हैं। बनियान, कीकड़, बिलवा, नीम, पीपल और मैंगो ट्री। बनियान, इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द ट्रीज, हैज़ एरियल रूट्स एंड इज़ होम टू मेनी बर्ड्स। हमने पीछे भी पढ़ा था बनियान के बारे में। ये क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, मतलब सारे पेड़ों का सबसे बड़ा पेड़। और इसके रूट्स कैसे होते हैं, एरियल रूट्स होते हैं। यहाँ बनियान ट्री जो कि बहुत बड़ा होता है, तो इसमें बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, जो कि तो वो बर्ड्स का घर होता है। सेकंड, कीकर, ग्रोज एवरीवेयर इवन इन डेजर्ट। अब आपको पता ही होगा डेजर्ट्स में आसानी से कोई पेड़ उगता ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। लेकिन ये जो कीकर का पेड़ होता है वो हर जगह उग जाता है, वहाँ भी उग जाता है। इट प्रोवाइड वुड टू मेक व्हील्स ऑफ बुलॉक कार्ट। अब जो बुलॉक कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी होता है, या फिर जो बैल चलाता है, ये सब गाड़ियों के चक्के को बनाने के लिए हम कीकर के लकड़ियों का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिलवा के बारे में। इट इज़ मीडियम साइज्ड विथ थॉर्नी बशेस। ये मीडियम साइज का पेड़ होता है और इसके ब्रांचेस में कांटे निकले होते हैं। द फ्लावर्स एंड द लीव्स आर ऑफर टू लॉर्ड शिवा। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं और पत्ते जो होते हैं, वो हम महादेव को, शिव को चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इसका जो फ्रूट होता है वो शरबत यानी जूस बनाने में भी हेल्प आता है। अब आप बताइए इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गैस करिए। इसे हम बेल का पेड़ कहते हैं। देखिए, उसके जो बेल के पत्ते होते हैं उससे हम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, और उसका जो फ्रूट होता है बेल, उसका हम शरबत बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम हैज़ बिटर लीव्स एंड इज गुड फंगीसाइड एंड ब्लड प्योरीफायर। अब नीम का पेड़ तो आपको हर जगह दिखता होगा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका जो पत्ता होता है वो बहुत ही कड़वा होता है, अगर कोई बीमार हो या फिर उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसे अक्सर हम नीम का काढ़ा पिलाते हैं, जो कि बहुत ही कड़वा होता है। क्यों पिलाते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड को बिल्कुल प्योरीफाई, बिल्कुल साफ कर देता है, और ये किसी फंगीसाइड को भी हटा देता है, मींस जो इन्फेक्शन हो जाती है, रैशेज हो जाती हैं, तो उस पर भी ये नीम का पत्ता बहुत ही हेल्पफुल होता है। पीपल इज स्क्योर ट्री एंड वर्शिप बाई हिंदूज। अब आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को पीपल का पूजा करते हुए, क्यों, क्योंकि वो एक भगवान माना जाता है, उसे हिंदू स्पेशली उनकी पूजा करते हैं। इट्स लीव्स आर यूज्ड इन लीफ मोटिव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत तर पूजा में यूज़ होती हैं, या फिर उन्हें डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैंगो ट्रीज, इट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट ट्रीज एंड इट्स लीव्स आल्सो यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज़। अब मैंगो ट्री, मैंगो को हम फ्रूट्स का किंग कहते हैं, तो उसकी पेड़ को भी हम फ्रूट्स ट्रीज का किंग कहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो ये भी पूजा में यूज़ होती हैं और डेकोरेशन में भी यूज़ होती है। देखिए यहाँ इसके सारे ट्रीज के पिक्चर्स भी दिए हैं। देखिए, सबसे पहला बनियान ट्री, फिर मैंगो ट्री, फिर नीम ट्री, फिर पीपल। तो हम आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वाइल्ड प्लांट्स क्या होता है, दीज प्लांट्स ग्रोज बाई देम एंड स्प्रेड रैपिडली। ऐसे प्लांट्स जो कि खुद से उग जाएं और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि फॉरेस्ट में भी तो खुद ही से प्लांट उग जाते हैं, तो उन्हें भी हम वीड्स ही कहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वीड्स का देखिए डिफरेंस क्या है, दे आर अनडिजायरेबल प्लांट्स बिकॉज
दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ डिज़ायरेबल प्लांट्स। अब ये जो वीड्स होता है जो खुद से उग जाता है, ये एक अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है, यानी इसे कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये जो डिज़ायरेबल प्लांट्स होती हैं, मतलब जिसकी आपको ज़रूरत हो या फिर जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, उसके ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सम कॉमन वीड्स आर, तो देखिए सम कॉमन वीड्स यानी जो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, वाटर हाइसिंथ, डैंडिलियंस, पार्थियम, ये सारी वीड्स हैं कुछ ऐसी जो कि हमारे आसपास में आपको आसानी से दिख जाएंगी। अब वाटर हाइसिंथ क्या होता है, दे कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये हमें वाटर के ऊपर मीन्स पानी में, जैसे नदी हो गया या फिर कोई पॉन्ड हो गया, इसके सरफेस पे ऊपर वाली जो हमें दिखती हैं वहाँ पर ये उग जाती हैं। और ये क्या करती हैं, दे ग्रो फास्ट एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट एंड एनिमल लाइफ बिलो द वाटर। ये क्या करती हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी उग जाती हैं और बहुत जल्दी से फैल जाती हैं पूरे वाटर सरफेस पे, और फिर जो उस पानी में अंदर प्लांट होती हैं या फिर कोई जानवर होता है उसे वो अफेक्ट करती हैं, उसके ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। कैसे, क्योंकि ये सनलाइट और ऑक्सीजन को पानी के अंदर जाने से रोक देती हैं। अब जब अंदर ऑक्सीजन और सनलाइट जाएगा ही नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, एनिमल कुछ जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो वो जिएगा कैसे। डैंडिलियंस, दे स्प्रेड फास्ट, अब सारी वीट प्लांट तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, देखिए यहाँ भी हमने पढ़ा था स्प्रेड रैपिडली, देयर सीड्स हैव पैराशूट्स दैट हेल्प देम टू स्प्रेड बाई विंड। अब ये जो प्लांट होता है इसकी जो सीड्स होती हैं उसकी सीड्स में पैराशूट जैसा एक कुछ बना होता है जिससे वो आसानी से विंड में हवा के सहारे उसके हेल्प से हर जगह फैल जाती हैं और उड़ने में उनकी मदद करती है। आपने ये देखा होगा आपके घर के आसपास या फिर खेतों में एक वाइट कलर का छोटा छोटा फूल जैसा उग जाता है, वो होता है डैंडिलियंस। अब पार्थियम के बारे में पढ़ेंगे, दे ग्रो कॉमनली अलोंग रोड साइड रेलवे ट्रैक्स, दे कॉजेस स्किन प्रॉब्लम एंड एलर्जीज। ये जो पार्थियम होता है वो आप देखेंगे रोड के साइड में ग्रो हो जाता है। धतूरा, इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटली अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाई टू चेक इट्स ग्रोथ। धतूरा एक बहुत ही पॉइजनस प्लांट होता है जिसे कि हमें उसके ग्रो करता हुआ देखते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल हटा देना चाहिए उसकी रूट्स के साथ। ये बहुत ही पॉइजनस होता है और ये हमारे प्लांट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए इसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको सारे पिक्चर्स दिए हैं, देखिए। हमारा लास्ट टॉपिक पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, इसे हम ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं। देखिए पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासी, दे ईट फ्रूट्स रूट्स फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोन इन द फॉरेस्ट। अब आदिवासी हैं तो वो तो जंगल की ही चीज़ें खाएंगे, जंगल में क्या क्या होता है, फ्रूट होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है, प्लांट होता है, पेड़ होता है। दे हैव ग्रेट नॉलेज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स, और उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है आइडेंटिफाई करने का प्लांट्स को। दे ईट बनानास, ब्रेड, फ्रूट्स, ब्लैकबेरीज, कोकोनट्स, फिक्स एसेट्रा। अब ये केले खाते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें खाते हैं जो जंगल में मिलती है। दे डू नॉट ईट प्लांट्स लाइक आइवरी, बिच्छू, बूटी एसेट्रा, ये ऐसी प्लांट्स नहीं खाती जो, क्योंकि ये सारे पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होम टू द ट्राइबल्स। अब फॉरेस्ट ये ट्राइबल्स को एक बहुत अच्छा रहने का और बहुत ही सुरक्षित जगह भी प्रोवाइड करता है, उन्हें देता है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फॉरेस्ट, प्लांट्स लाइक रोजवुड, सैंडल, टीक, सीसम एंड पाइन कैन ग्रो इनटू वेरी लार्ज एंड बिग ट्रीज एंड लीव फॉर मेनी लाइफ्स।
अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत लंबा जीते हैं, जैसे आपका बनियान का पेड़ हो गया, चंदन का पेड़, सीसम, पाइन, ये सारी प्लांट्स जो होती हैं, जो ट्रीज़ होती हैं, ये बहुत लंबा जीती हैं। फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक आमला, तेंदू, फिक्स, वुड एप्पल एंड अ वैरायटी ऑफ पाम्स एंड बेरीज आर ईटन बाय द पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट। अब ये वुड एप्पल, पाम्स, बेरीज, फिक्स, ये हमें तो रोज़ रोज़ मिलेंगी नहीं, हमें मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें ये हमेशा मिलती हैं और वो इन सारी फ्रूट्स को खाते भी हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पीसफुल लाइफ ऑफ इनोसेंट ट्राइबल्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ग्रीड ऑफ मैन। और ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लालची लोगों की वजह से ये मासूम आदिवासी जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ही अफरा तफरी मच गई है, वो शांति से जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जंगल साफ करते जा रहे हैं, वो सारे पेड़ों को काटते जाते हैं। सेवरल डिफॉरेस्टेशन फॉर क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर नॉर्मल एंड नेचुरल लाइफ। अब कुछ लोगों के कंस्ट्रक्शन के कामों की और एग्रीकल्चर की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होती है उनसे जो जंगल की ज़मीन होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्राकृतिक जो नेचुरल ज़िंदगी होती थी वो अब नॉर्मल नहीं रही, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट हैव अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स। दे बिकम होमलेस, देयर सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर, लिविंग हैज गॉन फॉरएवर। अब इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट तो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी वजह से ये जो आदिवासी है जो कि जंगल में रहते थे उनके जो घर हैं वो गायब हो गए, वो होमलेस हो चुके हैं, जिसके वजह से जो उनकी खाने की सोर्स थी, रहने का जगह था, जीने का तरीका था, वो सब धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। अब आप बताइए हमने क्या क्या पढ़ा है। वी सी ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस लाइक ट्रीज, शर्ब्स, हॉप्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एसेट्रा। हम अपने आसपास बहुत तरह के पेड़ देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के। अब प्लांट में दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। और प्लांट्स अपने आसपास में ग्राउंड पे हर जगह रूट्स फैलाता है। और मैंग्रोव जैसे प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर में और स्वैम्प वाटर में होते हैं, इनके रूट्स सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। और पम्पकिन और एस्परेगस जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने रूट्स में। और भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं रूट्स, स्पेशल टाइप्स होते हैं रूट्स के। देखिए यहाँ कुछ MCQs, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप इन सभी को ट्राई करिए क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको चैप्टर के अंदर इन सब के आंसर मिल जाएंगे। ट्राई करिए, बनाइए, ना बने, कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सेफ, बाय।